हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही यमी और टेस्टी मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि फटाफट कम मेहनत में बन जाती है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो आम को कट कर लिया है। उसके बाद हम इसे नाइफ से इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे और इसके बाद हम इस तरह से इसके पल्प को निकाल लेंगे। तो एक जार में निकालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसके पल्प को हमें पीस के पेस्ट बना लेना है मिक्सर में पीस के। तो आपको जो भी आम पसंद है आप वो आम ले लें। उसके बाद सभी को मैं इसी तरह से निकाल लेती हूँ, सभी मैंगो के पल्प को। इसके बाद चलिए हम इसे मिक्सर में पीस लेते हैं। तो इसे मिक्सर में पीस के इस तरह से पेस्ट बना लेना है। उसके बाद मैं इसे एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है। उसके बाद हमें इसमें डालना है 2 से 3 कप के करीब दूध, और उसके बाद हम दूध में उबाल आने देते हैं। गैस को ऑन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूध में उबाल आ गया है। उसके बाद हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है फ्रेंड्स, मतलब इसे हाफ कर लेना है। तो आप बीच बीच में इसे चलाते रहें, वरना ये पैन के तले में लग जाएगा तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा कुल्फ़ी का। और जो साइड साइड में मलाई लग गया उसे भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और फ्रेंड्स, बस इसे इतना ही गाढ़ा करना है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये हाफ हो गया है। उसके बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब चीनी लिया है। आप चीनी अपने मिठास के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से। उसके बाद मैं इसमें मैंगो के पल्प को भी ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करना है, मिलाना है इसमें। और यहाँ पे फ्लेम को एकदम लो कर देना है और इसे कंटिन्यू इस तरह से मिक्स करते जाना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद हम गैस को बंद कर देते हैं और यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद अब हम इसे मोल्ड में फिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुल्फ़ी मोल्ड लिया है। अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे छोटे साइज का ग्लास में या फिर कप में भी बना सकते हैं। तो मैं सभी में फिल कर देती हूँ। उसके बाद अब हम इसे फॉइल पेपर से कवर कर देंगे ताकि कुल्फ़ी के ऊपर आइस क्रिस्टल ना आए और जो हम इसमें आइसक्रीम स्टिक डालेंगे वो भी बीच में रहे। तो सभी को फॉइल पेपर से कवर कर देना है। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप इसे प्लास्टिक से भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर में कट लगा के आइसक्रीम स्टिक डाल देना है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो आप यहाँ पर स्पून डाल सकते हो आइसक्रीम स्टिक के जगह पर। उसके बाद मैं इसे एक ग्लास में रख लेती हूँ। अब हम इसे 7 से 8 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 घंटा हो गया है और कुल्फ़ी अच्छे से जम गई है। अब हम इसे निकाल के और नॉर्मल पानी में इस तरह से डीप करेंगे तो ये आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा। उसके बाद फॉइल पेपर को हटा देते हैं और हाथ पे रख के इस तरह से करेंगे तो हाथ की गर्मी से भी आसानी से निकल जाएगी कुल्फ़ी। तो मैं सभी को निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सभी को निकाल लिया है फ्रेंड्स। कुल्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनी है, आप देख सकते हैं, एकदम दानेदार और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप भी इसे घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और ऐसी ही सिंपल और इजी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।